बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मंत्री संतोष सुमन के बंगले में आग लग गई है। हादसे में बाल बाल बचा संतोष सुमन का परिवार, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जितेंद्र राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बंगले में आग लगी है, फिर भी छानबीन होगी कि आखिर क्या वजह शॉर्ट सर्किट ही है या फिर कुछ और भी हो सकती है। तो जितेंद्र राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के बंगले में आग लगी है। संतोष सुमन आपको बता दें क्या कह रहे हैं इस घटना के बाद, आग लगने के बाद अपने बंगले में, सुनिए जरा। हम लोग 5-6 मिनट में खबर कर दिए थे, लगता है 5-7 मिनट बाद उन लोग आ गए। तो जैसे ही आग लगी उसकी जानकारी जो थी उन्होंने कहा कि हमने 5-7 मिनट में दे दी थी और तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई थी। आपको बता दें कि संतोष सुमन जिनके बंगले में आग लगी है, बिहार में मंत्री हैं बिहार कैबिनेट में, और जितेंद्र राम मांझी के बेटे हैं जिनके बंगले में आग लगी। उनका परिवार, जब आग लगी तो पूरा परिवार घर पे ही मौजूद था, परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। और जैसे ही परिवार को आभास हुआ कि आग लगी है, धुआं उन्होंने उठता देखा, तभी पूरा परिवार बाहर आ गया और परिवार की जान बच गई है। गनीमत यही रही है। और ये देखिए तस्वीरें भी अब सामने आई है किस तरह से बंगला धू धू कर जलता हुआ, अंदर आग लगी। वजह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है, शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है आग लगने की। चलो, और जैसे ही बंगले में आग लगी उसके बाद फायर फाइटर्स को बुलाया गया और फिर फायर फाइटर्स ने कोशिश की आग बुझाने की। और देखिए किस तरह से ये धुएं का जो गुबार है वो अंदर से बाहर निकलता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से संतोष सुमन का ये बंगला। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, जितेंद्र राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन और बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बंगले में आग लगी और फायर फाइटर्स को आप इस वक्त देख रहे हैं, पानी की जो धार है वो घर के अंदर डाली जा रही है ताकि जो अंदर आग लगी हुई है वो बुझ जाए। अच्छी बात ये रही कि परिवार को वक्त रहते आग का पता चल गया था और परिवार ने इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड को दी और फिर फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची। परिवार के लोग बाल बाल बचे हैं, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह को माना जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें पटना से, बिहार की राजधानी से, जहां पर संतोष सुमन का बंगला है अपने परिवार के साथ। वो इसी बंगले के अंदर मौजूद थे, उनका ये कहना है। अभी हम बाइट सुनने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पूरा उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे। संतोष सुमन ने ये कहा है कि जैसे ही आग लगी हमने इसकी इत्तला कर दी थी फायर ब्रिगेड की टीम को। और इसी पर हम अपने सहयोगी से भी आगे बातचीत करेंगे, रजनीश सिन्हा, न्यूज एशियन संवाददाता, सीधे पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, तस्वीरें हम सीधी देख रहे हैं, अभी भी आग बुझी नहीं है। जी नहीं, देखिए अभी भी आपको सूत्रों से काबू नहीं पाया जा सका है। और ये संतोष सुमन है जो कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के कल्याण विभाग के मंत्री, जितेंद्र राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ये पुत्र हैं। शॉर्ट सर्किट आग का कारण फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन आग के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई किस कारण से आग लगा है, लेकिन अचानक मंत्री के और हाई प्रोफाइल इलाके में लगे इस आग ने हरकंप मचा दिया है। जी, तो घर पे कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त ये आग लगी और परिवार को कब ये आभास हुआ कि आग लगी है? देखिए अचानक जब लपट पी थी तब लोगों को पता चला, लेकिन घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो लोग थे और परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सामान की ज्यादा क्षति हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। आग बुझी नहीं है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश अभी की जा रही है फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से।